सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हमेशा की तरह आज फिर मैं लेकर आ गई हूँ छोटी छोटी सी किचन टिप्स। ये बहुत ही यूज़फुल है, आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ये जो टिप है लेडीज़ के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये है गोल्ड की ज्वेलरी को साफ़ करने की। तो ये देखें, मैंने भी थोड़ी सी ज्वेलरी आपके सामने ली है, ये गंदी हो गई है। होता क्या है, हम इनको पहनते रहते हैं ना, तो इसमें मैल जम जाती है और इनमें शाइन भी कम हो जाती है। तो अगर हम इसको ज्वेलर के पास साफ़ होने के लिए देंगे तो हमारे मन में एक डर सा रहता है कि इसका वेट कम ना हो जाए। तो क्यों ना हम घर पर इसको साफ़ कर लें, बहुत आसान तरीका है। तो मैंने ये थोड़ा सा दूध ले लिया है, चाहे गर्म लें चाहे कच्चा लें, कोई भी ले सकते हो। ज्वेलरी के हिसाब से ले लेना जितनी ज्वेलरी है। तो अब इसमें दो चीज़ें डाल लेना, आधी चम्मच से कम बेकिंग सोडा डालना, इससे बहुत अच्छी तरह ज्वेलरी साफ़ हो जाती है। और साथ में हल्दी डाल देना, आधी चम्मच से ज़्यादा भर कर लिया, देखें आधी चम्मच मैंने। इसको मिक्स करके ना अब इसमें ज्वेलरी डाल के डिप करके रख देना 10 मिनट के लिए। ज़्यादा गंदी हो तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रख देना। उसके बाद ब्रश की हेल्प से इसको साफ करना, तो देखिए कितनी शाइन आ गई है। अब पानी से जब निकालो ना, तो अगर आपने भी छोटी ज्वेलरी जैसे पेच वगैरह इसमें डाले हैं ना साफ़ करने, तो नल के नीचे वॉश बेसिन वगैरह में नहीं धोना, ऐसे धो लेना। तो देखिए कितनी साफ हो गई है ज्वेलरी। अगला ये छोटा सा टिप कह ले या हैक कह ले, बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए अक्सर हम शॉपिंग पे जाते हैं तो इस तरह के बैग हमारे हाथ में होते हैं। तो होता क्या है, जो भी हमने सामान इसमें रखा होता है ना, वो बिल्कुल ही दिखता है। ये देखिए आप इस तरह से बाहर से साथ में जो भी चल रहा है, साथ में जो भी है आसपास, सबको दिख रहा होता है कि इसके अंदर हमने क्या रखा है। तो ये तो अभी रेक्टेंगल में है बैग, कहीं तो स्क्वायर में होते हैं इस तरह के चौड़े वाले, तो उसमें तो और भी ज़्यादा दिख रहा होता है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि बैग ऐसे बंद हो जाए और कुछ दिखे भी ना, तो इसके लिए आपने करना क्या है। तो ये देखिए शॉपिंग बैग में ये जो हैंडल होते हैं ना, उनके आगे ये एक पिन सी क्लिप सी लगी होती है, शार्प होती है। तो इसको आपने क्या करना है, लेकर ना सामने वाले हैंडल के होल में डाल देना इस तरह से, और सामने वाले पिन को लेके इस हैंडल के होल में डालना है। आपको ना देखने से ज़्यादा समझ आएगा। उसी तरह से दूसरी साइड के पिन को भी आपने सामने डाल देना है और सामने वाली पिन को इस साइड डाल देना है। और अब आपने इस हैंडल को पकड़ना है, खींचना है, तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से बंद हो गया। ऊपर से बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि बैग के अंदर क्या है। और आप चाहो तो इसको घर आकर खोल भी सकते हो, वैसे ही पिन को वापस निकालेंगे तो आराम से ये खुल भी जाएगा। अगली ये जो टिप है ना, ये भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये है खाली बॉटल्स को हम कैसे यूज़ करें। तो देखिए पानी की हुई बॉटल या पेप्सी वगैरह की, ये हमारे पास अक्सर घर में होती हैं, जब ये खाली होती है तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसका बहुत अच्छा यूज़ बता रही हूँ। तो देखिए आपने क्या करना है, इसका ढक्कन पहले निकाल देना, फिर इसके बाद आप एक नाइफ़ ले लेना। घर में काफ़ी नाइफ होते हैं, ऐसा कोई नाइफ लेना जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो उसको गर्म कर लेना गैस पे। गर्म करके अब आपने इस बॉटल को कट करना है, ऊपर से देखें सेंटर से कर लेना, तो बड़े आराम से हो जाएगा। नाइफ अगर गर्म है ना तो बहुत आराम से हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, देखें मैंने यहाँ तक किया है। अब इस बॉटल को हम खोलेंगे तो देखिए काफ़ी सारा इसमें स्पेस हो गया ना। तो अब इसका यूज़ क्या करेंगे, तो मैं आपको यूज़ करके भी बता रही हूँ। इसको आप यूज़ कर सकते हो स्टोर करने के लिए, आप इसमें कोई चीज़ स्टोर कर सकते हो। जैसे ये देखे मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा स्पून्स हो गई, तो मुझे लगा इसको कहीं रख देती हूँ, यहाँ इतनी स्पेस नहीं हो रही है, तो मैंने रबड़ लगाकर इसमें डाल दी। फॉक है एक्स्ट्रा, उसको डाल सकते हो। ये आपके पास कोई औजार हैं छोटे छोटे से, टाइम पे मिलते नहीं हैं, वो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो और इसको ऊपर से बंद कर दें, फिर देखें आप कितना अच्छा लग रहा है और विजिबल भी है, जहाँ भी आप रखोगे आपको आराम से दिख भी जाएंगे। अगली ये टिप भी बॉटल्स को लेकर ही है। तो ये देखिए छोटी सी बॉटल है पर काफ़ी ये मजबूत बॉटल है, तो इसका यूज़ मैं आपको बता रही हूँ। इसको मैं ऊपर से ना पहले हाफ कट करूँगी, फिर ऐसे राउंड शेप यानी यू शेप में कट कर लूँगी। तो अब क्या करना है, इसको मैं काट के दिखा रही हूँ, देखिए काट कर ली है। अगर आप इसे यू शेप नहीं करो, पूरा ही ऐसे काट लेते ना, तो आप इससे फनल बना सकते थे,
ऑयल वगैरह डालने के काम आ जाती। और अब ऐसे काटा है तो किस काम आएगी, तो हम इसको यूज़ में लेंगे आटा वगैरह डालने के, आटा हो गया, चावल हो गया, अनाज कोई भी, इससे इस तरह से जब हम आटा गूंथते हैं तो आटा निकालना होता है ना, तो इससे निकाल सकते हैं। आपने बड़ी बड़ी मॉल्स में देखा होगा ना, आटा चावल और ये दालों के कंटेनर में इस तरह के रखे होते हैं ना, तो वो स्टील के होते हैं, हमने इसको बॉटल से बना लिया है, वो भी वेस्ट बॉटल से। अब मैं आपको चाय का ऐसा मसाला बनाना बता रही हूँ जो कि अगर आपको चाय पीने से गैस हो जाती है, एसिडिटी होने लगती है, तो वो सब नहीं होगा और बल्कि फ़ायदा ही होगा। तो ये मैंने ली है लेमन ग्रास। देखिए इस तरह की है ये देखने में घास की तरह लग रही है ना, ये लेमन ग्रास है। ये घर में भी उगाई जा सकती है, ये मार्केट से भी मिल जाती है। तो ये देखिए आप इसको आप कट कर लें, तो ये जो इसका आगे का पार्ट है ना मोटा मोटा, इसको मैं हल्का सा आगे से हटा के इसको भी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, खाली डंडियाँ डंडियाँ यूज़ कर सकते हो, पर मैं सारा पार्ट ही यूज़ कर रही हूँ छोटा छोटा काट कर। अब इसको वॉश करके ना हम थोड़ा सा पैन में सुखा लेंगे, चाहे तो आप धूप में सुखा लेना, वैसे ही सूखा हुआ ही है, लेकिन थोड़ा सा और सुखाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको पीस कर मसाला बनाना है ना, तो चाहे तो धूप में सुखा लेना, लेकिन पैन में करेंगे ना तो काम जल्दी हो जाता है। लेमन ग्रास के साथ ही इसमें तुलसी के पत्ते भी मैं डाल रही हूँ, आधी मुट्ठी के करीब हैं। तो लेमन ग्रास जो है ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, विटामिन सी होता है इसमें, आयरन होता है, तो इतने सारे विटामिन होते हैं इसके अंदर, और साथ में तुलसी के फ़ायदे तो आप सबको पता ही हैं। इन सबको हमने सुखाना है, तो ये मोटा वाला पार्ट है ना, थोड़ी देर लगेगी इसको सूखने में, ये भी आसानी से सूख जाएगा। तो देखिए आप सारा कुछ सूख गया है, तो गैस बंद कर दिया। अब इसमें एक चीज़ और मिलानी है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ, सूखी हुई हैं मेरे पास, तो ये जो है देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं। अगर आपके पास देसी गुलाब है घर में लगा हुआ है तो आप उसको भी जब हमने लेमन ग्रास को सुखाया ना, साथ में ही डाल के सुखा लेना। तो देखिए अब इसको पीस कर ले लिया है, ये बहुत ही खुशबूदार है, इतनी खुशबू आ रही है इसकी पूरे घर में, जैसे नींबू की आती है ना, और साथ में तुलसी और गुलाब की भी हो गई, इतना प्यारा घर में माहौल हो गया, खुशबू खुशबू हो गई है। तो देखिए आप इसको कैसे ले सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए 2 कप पानी गर्म किया है, इसमें 1 चम्मच डाल लेना इस चाय के मसाले को, और आप इसको बॉईल करके स्ट्रेन करके अगर ऐसे ही पियोगे ना तो इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, तो चाय से ज़्यादा इसके ऐसे पीने से फ़ायदे होंगे। तो इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा हनी डाल सकते हो, और अगर आपको ऐसे नहीं पीना है, चाय की तरह पीना है, जैसा कि मैंने बोला ही है चाय बनाएंगे, तो आप इसमें डाल देना चाय की पत्ती, चीनी या गुड़ जो आपको पसंद हो, बॉईल आने के बाद दूध डाल देना। तो देखिए आप कितनी अच्छी ये चाय बन रही है। तो इस चाय के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि हम चाय पीते तो हमें नुकसान होता है ना, तो वो कुछ नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा। तो ये मसाला बना के रख लें, 1-1.5 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।